गूगल मैप्स को यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसका एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन या कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है वो हमें कभी पता नहीं चलता। पेटीएम की बात करें तो हम अपने दोस्त को पैसे भेज सकते हैं, पर वो पैसे हमारे अकाउंट से कट करके ऐसे हमारे दोस्त के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, उसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता होता। ये सारी की सारी चीजें वेबसाइट्स और एप्स के अंदर एक बैकएंड डेवलपर मैनेज करता है। अब बैकएंड डेवलपमेंट में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक बेसिक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, जो आपकी पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, पीएचपी भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, एंड और भी पॉपुलर ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ आपको लिनक्स के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड साथ के साथ आपको रन टाइम एनवायरमेंट या फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, जैसे Node.js हो गया या Django हो गया। बट इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है हमारे डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हमें SQL या Node.js जैसी टेक्नोलॉजी में काम करना आना चाहिए। आज की डेट में जो एवरेज फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी है इंडिया के अंदर एज अ फ्रेशर वो है 6.8 LPA, जो आपकी अगर इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज बढ़ती है एंड एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके साथ इंक्रीज होती रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।